बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है थोड़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू क्रिएट 100% यूनिक कंटेंट। यूनिक कंटेंट वो भी कॉपी किया हुआ, मींस कि किसी भी साइट का किसी भी कंटेंट को कॉपी करके हम उसको यूनिक करके अपनी साइट पर किस तरह से डाल सकते हैं। कॉपी का नाम सुनते ही दोस्तों जहन में आता है कॉपीराइट इशू। ना कोई कॉपीराइट इशू, ना कोई एडसेंस प्रॉब्लम, ना ही कोई एडसेंस अप्रूवल प्रॉब्लम। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल की आज मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाला हूँ जिसके यूज़ से आप बहुत सारे एडसेंस अप्रूव करवा सकते हो, और नहीं तो आप एडसेंस सेल का काम कर सकते हो। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक वेबसाइट बनाई है जिस पर वो अब तक 8 एडसेंस अप्रूव्ड करवा चुका है। 8 एडसेंस टॉपिक हेल्थ और 8 एडसेंस ब्लॉगर की साइट पर अप्रूव्ड होना भी बहुत बड़ी बात है। मींस के लोग कहते हैं कि 2 होते हैं अप्रूव, 3 होते हैं, ज़्यादा लिमिट 5 तक होते हैं, लेकिन नहीं, लिमिट जो है दोस्तों कोई लिमिट नहीं है। हम फिलहाल 8 करवा चुके हैं और 9वें के मतलब जो करीब हैं। मींस के हम हर हफ्ते में, हर महीने में, हफ्ते में अप्लाई करते हैं। अगर ना अप्रूव्ड हो तो फिर अगले महीने किया जाता है ताकि अप्रूव्ड होने के चांसेस ज़्यादा हों। तो हर महीने में या हर हफ्ते में एक एडसेंस अप्रूव्ड हो जाता है, और पाकिस्तान में एडसेंस 5000 का सेल होता है। मींस के 5000 हर महीने के पक्के हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सॉरी इंट्रो थोड़ा लंबा करवा दिया, लेकिन उसके बाद हम आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जिस पर आपको डेली जो है डाटा मिल सके, डाटा मीन्स के आपको टॉपिक्स मिल सके। तो गाइस, मैं जिस साइट से ज़्यादातर डाटा लेता हूँ वो है webmd.com, जैसे कि आपके पास स्क्रीन पर शो हो रही है। दोस्तों, ये दुनिया के नंबर 1 जो है हेल्थ की वेबसाइट है, तो आप इससे भी डाटा ले सकते हैं। और अगर आप और वेबसाइट से डाटा हासिल करना चाहते हो तो आप गूगल पर सिर्फ इतना सर्च कीजिए कि टॉप 10 या टॉप 20 जो है हेल्थ वेबसाइट, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जिनसे आप कॉन्टेंट हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास webmd.com है, और मैं इसका ये जो एक कॉन्टेंट है मैं इसको कॉपी करके आपको 100% यूनिक करके दिखाऊंगा, जिसको यूज़ करके आपको कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं आएगा, और उसके अलावा आप इस पोस्ट को लीगली यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पहले इस कंटेंट को कॉपी करना है, और ये कॉपी आपके पास एक वेबसाइट है spinboard.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। तमाम साइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप मिस कर देते हो। तो स्पिनबोर्ड को हमने ओपन करना है, और यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं स्पिनर का, लेकिन वो स्पिनर यूज़ करते हैं सिर्फ स्पिन करके पोस्ट को अपडेट कर दिया, लेकिन बाद में कॉपीराइट इशू आ जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप 100% यूनिक इस तरह से बना सकते हो कि 100% गारंटी है कि आपको कभी भी ज़िंदगी में उसका कॉपीराइट इशू नहीं मिलेगा किसी भी साइट की तरफ से जिसका आप डाटा उठा रहे हो। तो हमने इसको यहाँ पर पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद हमने आ जाना है यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट, और जैसे ही यहाँ पर टिक लगता है हमने गो के बटन पर क्लिक कर देना है। हम जैसे गो के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है ये रिटर्न टेक्स्ट मिल चुका है, यानी हमारा डाटा जो है स्पिन हो चुका है। हमने फिर इसको कॉपी करना है, ठीक है। हम जैसे इसको कॉपी करेंगे तो हमारे पास एक और वेबसाइट है smallseotools.com, और हम जैसे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसके बहुत सारे कंटेंट के टूल्स हैं, जिसमें प्लैगरिज्म चेकर, आर्टिकल रीराइटर, ग्रामर चेकर, वर्ड काउंट चेकर, स्पेल चेकर, ऑनलाइन MD5 जनरेटर, चेन टेक्स्ट केस, मर्ज वर्ड ऑनलाइन टूल, और इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर। हमने आ जाना है प्लैगरिज्म चेकर के अंदर। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है प्लैगरिज्म चेकर। दोस्तों, इसके मैं पहले आपको फीचर बता दूँ, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें कर देना कॉन्टेंट को पेस्ट, और हमने कर देना चेक प्लैगरिज्म। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये हमें बताएगा कि हमारा डाटा कितना यूनिक है, हमने कितना डाटा जो है अपना यूनिक बनाया, और कितना डाटा हमने कॉपी किया है। तो दोस्तों, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा 50% जो चेक हो चुका है और यूनिक है, मींस कि मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया। आपके सामने मैंने सिर्फ कॉपी करके स्पिन किया spinboard.com के अंदर, और हमारा डाटा ये रखा 100% यूनिक। मेरा डाटा जो है वो 100% यूनिक है, कहीं से भी मैंने कोई भी डाटा कॉपी नहीं किया। तो अब बहुत से लोग इस जगह पर बोलेंगे फेक, तो अब मैं उनका मुंह बंद कर लूँ। सबसे पहले हमने आ जाना स्टार्ट न्यू सर्च के अंदर, और इसी ही डाटा को मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ जो कि मैंने पहले कॉपी किया, मतलब मेन वेबसाइट से webmd.com से blog.webmd.com। तो मैं इसी को दोबारा इधर पेस्ट करता हूँ प्लैगरिज्म के अंदर बिना इसको स्पिन किए। अब मैं करता हूँ चेक प्लैगरिज्म। तो यहाँ पर अब जो है हमें पहले करना पड़ेगा कैप्चा कंप्लीट, और फिर ये रखें। अब ये आपको ये बताएगा कि आपने डाटा जो है किस जगह से कॉपी किया, कितना कितना कॉपी किया। एक एक लाइन को चेक करेगा, मीन्स कि एक एक पैरा को चेक करने के बाद आपको बताएगा कि आपका ये पैरा कितना मैच है। ये रखें 44% जो हमारा मैच हो चुका है, 11% फिलहाल बता रहा है कि नहीं मैच है 44। ये देखिए 56% जो है हमारा प्लैगराइज्ड है। तो आप उस पोस्ट को अपने ब्लॉग और वेबसाइट पर पोस्ट कीजिएगा जो कि 100% हो, क्योंकि आप काम तो फेक ही कर रहे हो, लेकिन कोशिश करें कि रियल करें। मेरा जो मशवरा है वो रियल का ही है।
तो खैर आपने क्या करना है ये देखें, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वाकई ये सच बोल रहा है तो हमने क्या करना है, मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखा देता हूँ कि आपने जो है इस रेड पर क्लिक करना है। ये देख लें भाई आ गया, वाई लविंग पास्ता इज ओसो राइट है और ब्ला ब्ला ब्ला। हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमें उसी पोस्ट पर ले जाएगा जहाँ से हमने डाटा कॉपी किया। तो आई होप कि बहुत से लोगों की जो है ना अकल मतलब जो है ओपन हो चुकी होगी। ये देखें फिर वही आ गई पोस्ट, ये देखें ये डाटा इस वक्त इन साइट्स पर अवेलेबल है। तो एक ही साइट आ रही है क्योंकि एक ही साइट पर फिलहाल अवेलेबल है। ये देखें हो गए यूनिक। तो अब कौन कह सकता है कि ये जो है मतलब आपको गलत बताता है कि आपका डाटा कितना यूनिक है कितना यूनिक नहीं है। ये अगर आपका 1% भी आ जाता है ना प्लैगराइज्ड मतलब कि आपने इतना कॉपी की, तो आप उस पोस्ट को छोड़ दो और पोस्ट फाइंड करो जो आपको 100% यूनिक मिले उसको यूज़ करो। ये देखें हमें वापस से उसी साइट पर ये ले जाएगा जहाँ से हमने कॉपी किया है। तो दोस्तों बहुत से लोगों को समझ आ गई होगी, जिनको समझ नहीं आएगी वो तो खास तौर पर सीधा लिखेंगे फेक और करेंगे डिसलाइक, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। जिनको हेल्प मिले, जिनको वीडियो पसंद आए, जिनको समझ आई हो वो लाइक ही दीजिएगी, जिनको समझ ना आई हो तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप कमेंट कर दीजिए, अगर पॉसिबल ना हो तो आप फेसबुक व्हाट्सएप कहीं पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी मुकम्मल हेल्प की जाएगी। और मैं इसी टॉपिक पर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप यूट्यूब पर इंग्लिश टॉपिक में यूट्यूब पर किस तरह से वर्क कर सकते हो, रियल बिल्कुल 100% मोटिवेशनल वीडियो, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आई होप कि आप सबको आज की वीडियो पसंद ही होगी। और दोस्तों सबको ईद मुबारक, क्योंकि आज ईद के दिन मैं खासतौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ कुछ दोस्तों की फरमाइश पर। तो आई होप कि आप सबको आज की वीडियो पसंद ही होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और उसके अलावा अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप ज़रूर कॉमेंट कीजिए। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, आप पहली मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ओल्ड हैं तो घंटी के बटन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे किसी भी नई अपडेट को मिस ना कर पाएँ। मैं आप सबके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।